देखिए प्रश्न है 2 घात x + 13 बराबर 4 की घात x + 2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी इस प्रकार, जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पे हमको क्या लाना है, 2 लाना है, मतलब आधार को समान करना है, याद रखना आपको। तो क्या है ये 2 की घात x + 13, इसको वैसे ही लिख दीजिए 2 घात x + 13, इसको कुछ नहीं करना है। ये 4 है, 4 को क्या कर दीजिए, 2 की 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, घात में x + 2 पहले से, तो ये 2 की घात x + 13 इसको रहने दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 2 2 बार है ना, इसलिए अब पहले से क्या है x + 2, तो इसको ऐसे कोष्टक में लिखिएगा x + 2, ये हो गया 2 की घात x + 13। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 और x का हो जाएगा 2x, और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। बात समझ में, देख लीजिए 2 2 और x का 2x और 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर ये और ये समान है, इसको समान करना है आपको। तो जब आधार समान होता है तो घात भी क्या होता है, समान होता है। मतलब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x + 13 = 2x + 4। समझ में, ये नियम है, आधार समान है तो घात भी समान होता है। यहाँ से आप इसको पक्षांतर कर दीजिए, ये 2x हो गया, यहाँ प्लस रहता है प्लस उल्टा माइनस, ये 13 हो गया, ये प्लस उल्टा माइनस, 13 में से 4 गया 9, 13 बड़ा इसलिए प्लस, और 2 में से 1 गया, यहाँ कुछ ही मतलब एक रहता है, 2 में से 1 गया 1x, x बराबर कितना आ गया 9। यही क्या है आपका उत्तर है। इस प्रश्न को देखिए, लिखा है 1/5 की घात 3x = 0.008, तो 0.25 पूरे घात x का मान गया। तो पहले ही बताया था, जैसे यहाँ यदि 1/5 है ना, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 1/5 करना पड़ेगा, तभी सवाल बनेगा। क्लियर है? तो इसको तो कुछ नहीं करना है, 1/5 को वैसे ही रहने दीजिए, 1/5 की घात 3x। इसको हमको हम क्या लिख सकते हैं, ये 8 है, और ये दशमलव बदले लिखते हैं, 1 कितना है, 1 2 3, तो 3 0। समझ में, इस प्रकार इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। फिर देखिए इसको आप कटा सकते हैं, जैसे ये कट जाएगा, देखिए कितना से कटेगा, अगर चाहे डायरेक्ट 8 से भी कटा सकते हैं, तो जैसे ये 8 से यदि हम इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 8 एकम 8, इसको कटाएंगे 1000 को यदि हम भाग देते हैं इस प्रकार 8 से, तो 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2 0 उतारेंगे, 8 दूनी 16 4 0, 8 5 40, इस प्रकार आप भाग दे के देख लीजिएगा कितना आएगा, 125, तो बटे में 125। तो देखिए ये हो गया 1/5 पूरे घात 3x हो गया, ये 1 हो गया। अब इस पे आ जाइए, इसको आपको बनाना है ये वाला। तो देखिए हम 1 को तो कुछ भी करो 1 ही आएगा, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब 1 को चाहो तो आप 1 एकम 1 एकम 1 ऐसा लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 कितने बार है, 3 बार, 5 कितने बार है, 3 बार, 1/5 पूरे घात क्या लिख सकते हैं, 3। तो मैं बताया था ना, यदि ये इधर 1/5 है तो इधर भी 1/5 लाना है। अब बताया आधार समान है इसलिए घात भी क्या होगा, समान होगा, तो क्या हो जाएगा, 3x = 3। क्लियर हुआ? तो ये x बराबर हो जाएगा 3/3 और 3 एकम 3, तो x बराबर कितना आ गया, 1। आपको सिंपल सा बेसिक क्या करना है, फॉलो करना है इसका नियम को, आपसे आसानी से बन जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ उत्तर नहीं है, x बराबर 1 आया, प्रश्न में क्या बोला है, देखिए 0.25 की घात x का मान ज्ञात करना है, ये प्रश्न में बोला है 0.25 की घात x। अब सिंपल है, क्या करना है आपको, x का मान इसमें पुट कर देना है, रख देना है, तो 0.25 हो गया, x का मान कितना है, 1। अब घात 1 है मतलब उसी को एक बार लिखना है, तो 0.25 इसका क्या है उत्तर रहता है। अगर x का मान 2 आता तो इसको 2 बार लिख के गुणा करते हैं,